सो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो रही होगी। अब आप पढ़ने बैठते होगे ऐसे टाइम में जबकि काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर आपको एक परेशानी हो रही होगी। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि मेरे टाइम पर मुझे भी होती थी। अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, कोई भी चीज़ हम पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई भी आंसर, कोई भी डेरिवेशन हम याद करने बैठते हैं, तो वो हमारे दिमाग में नहीं जा रहा है। यानी कि वो हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा है। हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं बट वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, यानी कि हमें याद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए? तो सुनिए, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, सभी के साथ होती है। मेरे टाइम पर भी मेरे साथ होती थी। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम चीजों को याद नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कैसे आएंगे, यानी कि हम चीजों को याद नहीं करेंगे तो आंसर शीट में हम आंसर कैसे कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप चीजों को बिना याद किए भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, जी हाँ, आप यहाँ पर सही सुन रहे हो। आपके मन में एक कन्फ्यूजन तो हमेशा से आता होगा कि क्या हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने मन से आंसर कर सकते हैं, यानी कि जो टीचर ने हमें बताया, जैसे आंसर उन्होंने हमें बताया वैसे हम ना करके जो चीज हमने समझी हुई है, क्या हम उसको आंसर वहां पर कर सकते हैं और हमें नंबर दिए जाएंगे। तो इन्हीं सभी के बारे में अपन वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में काफी कम दिन बचे हुए हैं और इन कम दिनों में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि मैं आपको आपके ही डाउट बता रहा हूँ। तो इन्हीं सभी के बारे में अपन वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, मैं आपसे कहूँ कि आप चीज़ों को याद कीजिए मत, क्योंकि अगर आप याद करने बैठेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आप किस किस को याद करोगे, और अगर आप कोई भी आंसर, कोई भी डेरिवेशन याद कर रहे हो तो वो आपको एग्जाम टाइम पर याद ही नहीं आएगा। आप खुद ही समझिए, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास और दिन इतने कम बचे हुए, अगर आप कोई भी चीज़ याद करने बैठोगे सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी। फिजिक्स का आंसर आप केमिस्ट्री में करोगे, केमिस्ट्री का आप फिजिक्स में करोगे, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप 10th में है तो आपके सारे सब्जेक्ट थ्योरी के ही हैं, इसमें आपको याद ही करना होता है। मैथमेटिक्स छोड़ के सारे सब्जेक्ट से आपको थ्योरी आती है, तो ये चीज़ आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी कि आपको एंड टाइम पर आंसर याद नहीं हो रहे होंगे। आपके सोशल साइंस वगैरह के काफ़ी बड़े बड़े आंसर होते हैं। और अगर आप 10th में, तो सेम कंडीशन आपके साथ में, आपका भी मैथमेटिक्स छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं एमपी बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर थ्योरी के ही क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कम आते हैं। अगर आप बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा कवर होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं बट वो आपके और में आते हैं, बट आप थ्योरी थ्योरी में पास हो जाओगे। तो एंड टाइम पर हमें थ्योरी याद नहीं हो रही तो हम यहाँ पर क्या करें? तो मैं आपको बताऊँ, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने मन से आंसर कर सकते हो बट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से आंसर कर रहे हो तो अपने मन से कोई भी कहानी वहाँ पर आंसर कराओगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर वो आपने अच्छी तरीके से समझ रखा है तो वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो एग्जामिनर है वो भी उस चीज़ को समझ पाए। वो एग्जामिनर है वो आपको नंबर देने ही बैठा है, एमपी बोर्ड यहाँ के टीचर ऐसे ही होते हैं, ये नंबर देने ही बैठे होते हैं। अगर आप कॉपी को सजा के आ जाओगे तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको कॉपी का रिप्रेजेंटेशन करना है, उसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। आज की वीडियो में ये देखिए, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं कोई बात नहीं, उनको आप हिंदी में समझिए, आप अपने मन से आंसर कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और ये एमपी बोर्ड है, यहाँ पर आपकी ग्रामर मिस्टेक वगैरह, छोटी मोटी मिस्टेक्स आपकी इग्नोर कर दी जाती है। मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनर आपको नंबर देने ही बैठा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उनको आप समझिए, और एग्जाम में आप टेंशन मत करिए, आप तो अपने मन से वहाँ पर करके आइए। जैसा भी आपने समझा हुआ है आप अपने वर्ड्स में वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, इतनी सारी चीज़ें आपके पास पढ़ाई की, परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा अध्ययन है, कुछ बच्चे गाइड में से पढ़ रहे हैं, कुछ टीचर्स के नोट्स वगैरह में से पढ़ रहे हैं, तो सभी का डेटा सेम तो होता नहीं, और एमपी बोर्ड के पास वही सेम डेटा तो है नहीं। बट आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो पूछा गया हो वही आप वहाँ पर बताओगे तभी आपको नंबर देंगे। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत हो, अपने मन से आप वहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी, और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है, कोई भी ट्यूटर विद इन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफी अच्छा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, ट्राई करो कि चीज़ों को समझो, याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और आप बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में अपने मन से आंसर करते हो तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा। आपको वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो भी आपको आता हो वहाँ पर आंसर करके कुछ ना कुछ नंबर आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। अब ऐसा कई बार होता है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं कि उन्हें नहीं आया, अरे आप कुछ ना कुछ वहाँ पर आंसर करके आओ, थोड़े बहुत नंबर वो आपको वहाँ पर देंगे, क्योंकि उनको भी पास करना है। एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो हमेशा से खराब रहा है, आप सभी को पता है, तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर दें।